जैसे अधिकारी आ जाते हैं जी, तो बड़े बड़े सड़क सुधार जाएंगे जी, क्योंकि आदमी 20-20, 25-10-10-15-15 साल पेमेंट के चक्कर काटता रहो, जो उनको तो छोटी सी एक सेकंड लगते हैं, बोला ये तो फर्जी है, फर्जी। अरे सर फर्जी है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जितने अधिकारियों के सिग्नेचर हैं सभी को ऊपर FIR करवा दो ना जी। चोर चोरी करता है तो जिस साहू होगा वो तो FIR कटवा देगा। जितने अधिकारी है DC साहब की FIR कटवाओ, DC साहब की करवाओ, डायरेक्टर साहब की करवाओ, EO साहब दूध के दोए हैं संजय यादव जी, बाकी सारे चोर हैं जी। तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं सर, EO साहब तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं मैं बताऊं, जबकि ऊपर जो भी कोई आला कमान अधिकारी है, मंत्री महोदय जी हैं और हैं, वो तो यही कहेंगे भाई इस ठेकेदार का क्या मसला हमें बताओ। ये फोन आना तो ये नहीं कह रहे कि वीर साहब है भाई इस ठेकेदार की पेमेंट कर दी, ये मेरे रिश्तेदार है, ऐसा नहीं बोल रहे। उनका तो ये अधिकार है भाई, जो भी आदमी इतनी दूर से 300 किलोमीटर चल के आया मेरे पास है अपनी फरियाद लेके, तो इसका भी जांच पड़ताल करके तोड़ करके भाई इसकी पेमेंट बनती है तो करो, नहीं बनती है तो ऊपर लिखित में दो भाई। क्या क्या बोलते हैं सर, EO साहब को दूसरी लाइन आती नहीं, बोला फर्जी है फर्जी है फर्जी है। ठेकेदार अपना सब कुछ बेच के रोड के ऊपर लगा देता, बाद में EO साहब हम ये नहीं कहते भी फर्जी क्यों कहते हैं, तफ्तीश करो, पूरा रिकॉर्ड की जानकारी लो, उसके बाद में को, लेकिन उनकी तो जबान ही थी जी। मनसा किस, नमस्कार मैं अजय, और यह जो नगर परिषद की गुट्ठी है यह उलझती जान लग रही है, चाहे किसी अधिकारी के बयान ले लो, बयान लेते कोई ना कोई उमड़ के आवे। अब तो शाम से ठेकेदार अनुमान प्रसाद, EO साहब ने भी कल उनका जिक्र किया था, पेमेंट बकाया थी, और अनिल बी साहब के पीए तक के फ़ोन की भी बातें हुई, और ये उनके सपुत्र हैं अनुमान प्रसाद जी के। वो अनुमान प्रसाद जी अपनी पेमेंट की बात देखते 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 स्वर्ग सुधार के आस करी थी, काम करो हूँ पेमेंट मिलेगी, बर्तन दूंगा अपना हथ दूंगा, लेकिन वो स्वर्ग सुधार दे सुधार के, और अब उनकी लड़ाई जो है वो उनके पुत्र लड़ने लग रहे हैं। सर आपका नाम क्या है, दोनों पहले नाम बता आपका। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अच्छा, भाई का नाम? और ये मैं अजय शर्मा जी। तो आप बताएंगे समझाएं आप के, तो आप लोग बता दो भैया। समझा ऐसा सर, नगर परिषद में हमने 2012-13 में कार्य किए थे। अच्छा, आपने काम करे थे? हाँ जी, पापा जी के साथ मैं संभाला करता जी। अच्छा। जो कि ये रोड का मैटर है जो कमला भवन के पीछे जो मान साहब बार बार में बजरी उतार उतार कर दिखा रहे, उसके नीचे जो सीमेंटेड का रोड है उस रोड का काम है ये, RCC का रोड बना। हाँ जी, वो RCC का रोड आपका? हाँ, हमने बनाया हुआ जी, वो था जी शिव मंदिर से लेके कमला भवन तक और आगे जनकार होटल तक। हाँ जी, EO साहब बार बार में बोल रहे हैं कि हमने ADC साहब के पास जाकर भाई हमने काम 10 लाख रुपए का करवाया था। अच्छा। उनकी बात को बड़ा करता हूँ, यदि उन्होंने काम 10 लाख रुपए का करवाया था तो उन्होंने 25 लाख रुपए का एस्टीमेट क्यों करवाया? दिखाइए, ये देखिए सर, EO साहब जो वर्तमान में है। हाँ जी, इन्होंने 25 लाख का एस्टीमेट करवाया, 25 लाख जो पहले थे जो कार्यकाल 2012 में। हाँ जी, ये देखिए सर, 24,14,000 रुपए का एस्टीमेट है। ये टेक्निकल साइट रिपोर्ट है 24,14,000 की जी, जो सबमिटेड है जी, और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल इसमें, और ये सारा सारे रिकॉर्ड है, अधिकारियों के साइन है, ऑडिट भी हो रहा है जी। अच्छा जी, सब हो रखा है इसमें, इन्होंने हमारा 10 लाख का पेमेंट किया हुआ है। अच्छा, 10 लाख की पेमेंट हो रही है? 10 लाख का पेमेंट किया हुआ है, विद एल्ड 14,14,000 रुपए का पेंडिंग है। अच्छा, पेंडिंग रह गया। यस सर, तो जो 24 लाख पे बात हो रही है बनना है और 10 लाख का नाम माल लग रहा है, तो वो घपला समझाओ घपला के। नहीं, 10 लाख रुपए की उन्होंने पेमेंट कर दी थी जी, माल मेटेरियल की जो पेमेंट थी उन्होंने वो कर दी थी। 14,14,000 की बाकी रह गई थी जी, उसमें क्या था जी, उस टाइम नगर परिषद भिवानी की जो अदायगी करने की जो पावर थी वो थी 10 लाख रुपए। अच्छा। की 10 लाख से ऊपर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल लेनी पड़ती है, बाद में 3-4 साल के बाद क्या हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल की पावर आ गई खुद नगर परिषद की, तो नगर परिषद के पास हम बार बार गए, EO साहब के पास हम अभी भी गए, मेरे फादर और मैं, उन्होंने बार बार में ये बोला कर दूंगा। बाद में उन्होंने टेक्निकल की पावर कर दी, टेक्निकल के हमने ये देखो हमारे पास लेटर हैं सभी के। अच्छा, आपको लेटर दिखाता हूँ, आराम से निकाल ले। ये तो सर अभी का लेटर है। अच्छा जी, जो कि EO साहब बोल रहे हैं ना, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, EO साहब ने LA की रिपोर्ट मांगी थी। अच्छा, ये LA की रिपोर्ट है। अच्छा, खुद ये अपने इन EO साहब के संजय यादव जी के सिग्नेचर हैं, ये रिपोर्ट मांगी थी, ये LA साहब की रिपोर्ट है जी। अच्छा,
जबकि हम बार बार नगर परिषद भिवानी में डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, फाइल को गायब कर देते हैं, अब की बार हमने नंबर लगवाया। अच्छा, डिस्पैच नंबर। हाँ जी, ये फाइल भी गायब कर दी। अच्छा, ये फाइल आपकी गायब हो गई। हाँ, उन्होंने ये फाइल भी गायब कर दी। 23 तारीख को हमने दिए, 23/6 को। अच्छा, और 25 तारीख को हमारे पास कॉल आता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हमें ADC साहब से अभी मिलना है। अच्छा, इस फाइल के अकॉर्डिंग। अच्छा, उनके पास मिलना है। उन्होंने फिर ADC साहब को जवाब दिया है कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं है, टेक्निकल अप्रूवल नहीं है, मूल दस्तावेज नहीं है। जो आपके पास पास है? मेरे पास सर ऑलरेडी सारे जीरोक्स कॉपी हैं, मूल दस्तावेज तो ऑफिस में होते हैं, कार्यालय में होते हैं, कार्यालय में। जी, अभी ये क्या है? ये सर हमने FC के दी थी। अच्छा, चंडीगढ़। अच्छा, FC साहब के जो सुपरिटेंडेंट थे, FC साहब ने मार्क करी यो के नाम। अच्छा, ये सर 11/8/20 को। हाँ जी, उन्होंने इनके नाम मार्क करी, फिर बाद हम इनसे मिले। अच्छा जी, फिर हमने नगर परिषद भी वाणी को अप्लीकेशन दी। अच्छा जी, 29/7/2020 को। भाई ये सर हमारी पेमेंट की पहले दी हुई थी, हमारी पेमेंट की बाकी जी, है जी, जी, जी। उसके बाद में जी सेक्रेटरी साहब ने उपायुक्त महोदय के नाम लेटर लिखा 2017 में। अच्छा जी, जबकि यो साहब बार बार में बोलते हैं कि ना 2012-13 के बाद कभी आए नहीं, कभी आए नहीं, कभी आए नहीं। ये देखो जी, ये 2017 का 12 के बाद लेटर है, इसमें सारा रिकॉर्ड दे रखा है। अच्छा, ये नगर परिषद भिवानी ने, और इसमें ये मेंशन, आप ये देखिए, ये देखो 14,14,000 का बकाया है, जबकि सेक्रेटरी साहब ने EO साहब को भेज रखा है। अच्छा, ये लेटर है जी, जी। हमारे पास जीरो। इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये प्रस्ताव पास कर रखा है 2015 में। जी, जी, जी। ये देखो जी, उपायुक्त महोदय का लेटर आया, भाई इस ठेकेदार की आधार जितने भी राशि है जी, आधार पर बाकी छोड़ी गई थी, मामले की स्पष्ट रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाए, अति आवश्यक समझा जाए। ये उपायुक्त महोदय का लेटर आने के बाद जी, ये 2015 का लेटर, ये उन्होंने सर भेज दिया था फिर सचिव नगर परिषद ने, ये भेज दिया। हाँ, ये भेज दिया था भाई। अच्छा, इनकी इतनी राशि बकाया है। कहाँ पे लिखा है बकाया? ये देखो जी, ये रहा 14,14,000 बनती है। अच्छा, नगर परिषद भिवानी ने लिख के भेजा ये राशि बनती है। अच्छा जी, 2015 में ये देखो जी, ये एस्टीमेट की कॉपी है। अच्छा, जो कि ऑडिटर है, सब कुछ हो रहा है उस टाइम की। हाँ जी, उस टाइम का ऑडिटर जो विद एंड जो राशि है 14,14,000 रुपए की, वे ऑडिटर ऑडिट सब कुछ हो रहा है जी। अच्छा जी, EO साहब बोलते हैं हमारे पास स्टॉक नहीं है, ये नहीं, स्टॉक के अंदर तो जी जैसे हमारे जैसे ठेकेदार काफी हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल काम किए थे, उनका करोड़ों का स्टॉक उसके अंदर है, स्टॉक रजिस्टर के अंदर। यदि प्रशासन के पास कल को जी पता नहीं कितने करोड़ों के काम करवा के स्टॉक को गायब कर देंगे, फर्जी बिल चढ़ा के भी खुद कर्मचारी गायब कर देगा, तो स्टॉक रजिस्टर रखना और रखना वो तो डिपार्टमेंट का काम है। ADC साहब के आगे आके बोल देते हैं हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये देखो सर, उसके बाद ये बोलते हैं हमने काम नहीं करवाया, नहीं करवाया, ये PWD B&R के टेक्निकल सेंक्शन है 24,14,000 की, 18/4/2012 की। अच्छा, ये देखिए सर, ये डॉक्यूमेंट्स भी उसी रोड के हैं। हाँ जी, उसी रोड के हैं सर। अच्छा, और ये मस्ट रोल है, ये देखिए सर, डायरेक्टर लोकल बॉडी का। अच्छा, लेटर है, उन्होंने भी कहा था हाईकोर्ट का इनका जो कुछ जो भी डिसीजन हुआ था केस नंबर 17970 का, भाई उनकी यानी कि लिख इसके अंदर लिखा है जो, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेशों के दो माह के अंदर किए जाने को कहा है, लेकिन उन्होंने ये हमें पता नहीं क्या वहाँ भेजा नहीं भेजा, डायरेक्टर ऑफिस का लेटर आ रहा है। ये देखो जी, अच्छा इसके बाद सर ये जो एजेंडा पास करते हैं नगर परिषद उस टाइम, ये देखो पार्षद इन्होंने सभी ने इस रोड का ये पास कर रखा है 23/2/2015 को। भवानी प्रताप चेयरमैन की अध्यक्षता में हुआ था जी, ये मेंबर है जी विजय पंचगांवा श्रीमती प्रताश कौर सेवा देवी सुदर्शन नरेंद्र सिंह सरोजवाल, ये उस टाइम पास किया था जी ये रोड नगर परिषद ने। जी ये राज, ये हमारा जो मैटर था पेमेंट का, ये भी कोर्ट में उन्होंने इन्होंने एजेंडा में पास कर दिया था CPW नंबर 17970 हनुमान प्रसाद जी, जो यानी कि पेमेंट हरियाणा स्टोर यानी कि अदायगी करने के बारे में। ये देखो सर जी, अच्छा इसमें आके ये बोल भी रखा, ये देखिए आप, ये देखो सर्व समिति से निर्णय लिया जाता है कि CWP 17970/2013 में वर्णित कार्यों की रिपोर्ट पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जानी स्वीकार है। इसमें ये साइन भी हो रहा है। EO साहब क्या बोलते हैं सर, EO साहब को दूसरी लाइन आती नहीं, बोला फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। ठेकेदार अपना सब कुछ बेच के रोड के ऊपर लगा देता, बाद में EO साहब हम ये नहीं कहते भी फर्जी क्यों कहते हैं, तब 30 करो पूरा रिकॉर्ड की जानकारी लो, उसके बाद में कहो, लेकिन उनकी तो जबान होती है जी। मनसा किसकी कौन है तो फिर, सारे काम है सर, EO साहब की मनसा नहीं है, संजय यादव की।
बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन में जो न्यूज बनाओ ना, हाँ जी, उसमें लोग कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी ठेकेदार इंटरव्यू तो ठेकेदार बात पूछना, ठेकेदार साहब बुरा मत मानना, कमीशन देने की नौबत आओ क्यों है? बिल्कुल आती है सर, ये बताओ, ये ऐसा है सर, कमीशन देने की नौबत इसलिए आती है, मैं बताऊँ आपको, ईओ साहब जैसे अधिकारी हैं पेमेंट नहीं करते, 2012 की लटकती लटकती, अब बोला उस टाइम में काम हुए थे नहीं हुए थे, ठेकेदार कमीशन नहीं देता जी, जो आदमी इतने साल इंटरेस्ट तक यानी छोड़ देता है, इतने पैसे लगा रखे, कोर्ट में केस डाला, सब कुछ डाला, लेकिन अधिकारी करता नहीं, अधिकारी खुद अपने आप मुंह पाड़ता है जी, भाई मैं इतने लूँगा जब पेमेंट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। साहब एक बात और बताइए, हाँ जी, क्या वास्तव में जो ठेकेदार हुए हैं वो गलत काम भी करा है? ना, गलत काम कोई ठेकेदार नहीं करता सर। मजबूर कौन करता है? नहीं कोई नहीं मजबूर, ठेकेदार कोई गलत काम करता ही नहीं, और जिस सारे अधिकारी एक से भी नहीं होते। अच्छा। जिन अधिकारियों को ये पता होता है सर भाई इसने काम किए हुए हैं, देखो आज ये साहब हैं, कल ये चेंज हो जाते हैं, आज मान लो कमेटी में बजट नहीं है, कल ये चेंज हो जाते हैं तो दूसरा ईओ आ जाएगा, दूसरा बोलेगा भी देखूंगा, दो महीने में उसकी बदली हो जाती है, तीसरा कहेगा ये वो आएगा, बाद में तो होते होते जी यदि कोई अधिकारी पेमेंट करेगा ही नहीं तो ये 8 साल गुंजी 18 साल भी हो जाएंगे। 14 लाख का अगर ब्याज लगावा तो कितना ब्याज होगा सर? ये तो डबल हो जाए जी 6 साल में। दो ये देखो खुद नगर परिषद ने मान रखा भाई इसकी पेमेंट करी जानी उचित और हमने काम करवाया, जिस टाइम आपने पेमेंट लगाई थी 2012 की बात है, 24 लाख बहुत बड़ी रकम हो जाए, ठेकेदार से कोई क्रोडी हो तो वो पैसा किस तरह इकट्ठे करे थे और लगाए किस तरह थे और फिर टूट में पैसे अलग करोगे? ऐसा सर हमारे पास कुछ तो पैसे नगद दे दिए थे, कुछ उधार में मार ले रखे था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे और भी काम थे, जैसे ही आती है जिससे जो लेना देना जो माल मटेरियल ले रखा उसको तो देने पड़ेंगे, यानी गाकी का तलब बैस की बैस तलब। हाँ ऐसे करके जी काम तो चलाना पड़ता। हाँ जी तो 10 साल हो गए बतन तो, 10 साल 10-11 साल हो गए, 10 से भी ज़्यादा हो गए, 10-11 साल तो अब तक काम कुकर चला हो? अब और भी काम है जी, जैसे दुकान वगैरह भी है भाई। अच्छा। की और भी है, सर्विस में भी है भाई। ठेकेदारी पड़ता पड़ा को नहीं, ठेकेदारी में तो जब इतने इतने साल यदि ठेकेदार की पेमेंट रुक जाएगी तो कहाँ से खाएगा, यानी पिता स्वर्ग सुधार गया, देमता। हाँ जी, और सर हमारा रोड तो आज भी वही की वही बना हुआ है। अच्छा। कमला भवन से अपना शिव मंदिर तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पीछे जो मान साहब रोजाना बजरी उखाड़ के दिखाते हैं उसके नीचे जो RCC का रोड है वो मेरे पिताजी का ही बनाया हुआ है। चलो वो एक वो बता दूँ मान साहब को, बता दो सूर्य भी जुड़ रही है, सही कहिए ठेकेदार साहब कि मान साहब आए दिन छतरी लेके बैठते हैं, कूड़ा हो रोड टूट रहे हो उसकी आवाज़ के लिए, तो वो रोड उन्होंने उठाया था दिखाया था कि RCC का रोड आज भी वही मौजूद है क्योंकि बजरी वहाँ फटी हुई थी, रोड फटा हुआ था जो नया बना है, लेकिन साहब जो नए बने थे वो तो पार्टी कर आप आ रहे बच रहे हैं ये कुकर। सर CC का रोड था, कम से कम 5-6 इंची माल डाला था, सीमेंटेड का रोड बगैर पानी के बगैर उसकी कभी फूटता नहीं, उसके अंदर माल लगा हुआ था, सीमेंट इसका जो तारकोल का रोड होता उसका पानी का एक किस्म का बैर सा होता जी, पानी के कारण जहाँ खड़े रहता है उखड़ जाता है। हाँ जी, क्योंकि हमारा ये बोलते हैं रोड नहीं बना, ईओ साहब ने ADC साहब को बोला जी ये रोड बने नहीं, जबकि वो रोड आज भी मौजूद है, सज्जन एडवोकेट वहाँ आज के दिन भगवान की दया से जिंदा है, उसके सामने वो रोड बना था। कमला भवन वाले जितने हैं उनसे पूछना तो सामने वाले ठेकेदार ने रोड बनाया था नहीं बनाया था, लेकिन आज भी वो रोड मौजूद है, ये नहीं जी ईंटों की टाइल है या भट्ठे की ईंट है भाई उखाड़ दी दूसरे ठेकेदार ने दूसरी बना दी, लेकिन वो रोड तो अभी भी तो लग गया है। 14 लाख 14 हज़ार पेमेंट आपकी हो जाएगी देखो, आपके जितने जी देखो सर लग तो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं जी, बाकी जी प्रशासन के हाथ में है। एक ईओ साहब का जो कहना है कि बार बार में दबाव बनाया जा रहा है, PA के फोन करवाए जा रहे हैं, सर हम किसी के नहीं करवा रहे। हाँ, हम सर एक चीज बताइए, अब नीचे वाले अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर कार्रवाई करेंगे, वाला अधिकारी तो सर एक चीज बताइए, अब वो इस चीज का स्टेटस मांग रहे हैं उनसे तो ये दबाव बनाना हो गया। अच्छा जी सर, ये तो उनको बेकार में बदनाम करने वाली बात है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं सर। अच्छा। ईओ साहब तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं मैं बताऊं, जबकि ऊपर जो भी कोई आला कामान अधिकारी है मंत्री महोदय जी हैं और हैं वो तो यही कहेंगे भाई इस ठेकेदार का क्या मसला हमें बताओ, ये फोन आना तो ये नहीं कह रहे कि वीर साहब है भाई इस ठेकेदार की पेमेंट कर दी, ये मेरे रिश्तेदार है, ऐसा नहीं बोल रहे, उनका तो ये अधिकार है भाई जो भी आदमी इतने दूर से 300 किलोमीटर चल के आया मेरे पास है अपनी फरियाद लेके तो इसका भी जांच पड़ताल करके तोड़ करके भाई इसकी पेमेंट बनती है तो करो, नहीं बनती है तो ऊपर लिखित में दो भाई क्या दिक्कत का पिए का फोन तो आ लिया आड़ कौन जुरंगी। हाँ यहाँ नहीं जी, एक चीज और बताइए, ईओ साहब ने स्टेटमेंट दिया है अधिकारी सरकार का। हाँ बिल्कुल, ईओ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अब तक ये ठेकेदार कहाँ था, ये मेरी वेट कर रहे थे,
हमने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, हम रूटीन में चल रहे हैं, रूटीन में चल रहे हैं। 18 के ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं लगते जो हम इनकी वेट कर रहे थे, हम 12-13 साल वेट करेंगे। तो आपके पिताजी ले आओ, तो जब पेमेंट करा दो साहब, ना वहाँ जाना पड़ेगा जी, मेरे पिताजी के पास पड़ेगा जी, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से वही लेकर आऊंगे। हमारी एक चीज बताइए, उस टाइम जो अतिरिक्त महोदय थे वो गलत नहीं थे, उन्होंने ये लिखे में दे रखा, मॉनिटरिंग कर रखी है कि इनकी पेमेंट करने की अदायगी उचित है। ये देखिए 1/5/2012 को उन्होंने सभी कार्यों की अदायगी की जानी उचित है, ये रिटर्न में है। कितने की? ये सर ये है 21,57,000 का एक रोड था जी, 13,02,000 का एक, 2,000 का एक था जी, 4,83,000 का एक, 4,83,000। इसमें कितनी पेमेंट हो ली आपकी, कितनी रह गई थी? इसमें इनमें से सर खाली 14,14,000 रुपए की बकाया, बाकी पेमेंट होगी। हाँ जी, तो डीसी ने कितनी, इस टाइम डीसी कौन थे? एडीसी साहब, एडीसी साहब उस टाइम सर 2012 में। एक मिनट, चलो देख ले, रोक ले, निरीक्षण रिपोर्ट। ये एडी साहब का नाम तो बता नहीं, ये उनकी निरीक्षण रिपोर्ट। हाँ, निरीक्षण रिपोर्ट है कार्य की, जो कार्य किया था उनके बाद उन्होंने जो निरीक्षण किया था कार्य का, वहाँ पहुँच के और ये उसकी रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है 2012 की। अच्छा, 2012 के जो एडी साहब थे उनके साइन है, उनके मार्फत निरीक्षण किया था, पास कर दिया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिताजी स्वर्ग सुधार के 2012 की पेमेंट अब तक लटकी खड़ी है। जैसे अधिकारी आ जाते हैं जी, तो बड़े बड़े स्वर्ग सुधार जाएंगे जी, क्योंकि आदमी 10-15 साल पेमेंट के चक्कर काटता रहो, जो उनको तो छोटी सी एक सेकंड लगते हैं, बोला ये तो फर्जी है, फर्जी। अरे सर फर्जी है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जितने अधिकारियों के सिग्नेचर हैं सभी को ऊपर FIR करवा दो ना जी। चोर चोरी करता है तो जिस साहू होगा वो तो FIR कटवा देगा। जितने अधिकारी है DC साहब की FIR कटवाओ, DC साहब की करवाओ, डायरेक्टर साहब की करवाओ। ईओ साहब दूध के दोए हैं संजय यादव जी, बाकी सारे चोर हैं जी। मैं बताऊँ सर, ये मेरे पास तब आए हैं जब मैंने ईओ साहब का इंटरव्यू लिया था 26 तारीख को। जी सर, 26 तारीख को मेरा इंटरव्यू कहे थे, इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के ऊपर जो धमकाने के आरोप लगा हुए हैं और बातें बता रहे हैं वो गलत हैं, वो सरासर गलत थी। तो ये उनके बयान थे, ये उनके पेमेंट के कागज थे, डॉक्यूमेंट थे। अब देखें कौन सच्चा कौन झूठा। JN से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।